हिमाचल मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान वॉशिंगटन एप्पल पर आयात शुल्क 20% कम करने का फैसला प्रदेश के बागवानों के साथ एक बड़ा धोखा बताया है। शुक्रवार को मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि इस फैसले का प्रदेश सरकार और कांग्रेस पार्टी कड़ा विरोध करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर बागवानों के साथ खड़ी है ताकि सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा की जा सके। देखिए, हिमाचल प्रदेश एक एप्पल स्टेट है और इसकी जो पहचान है एक राज्य के रूप में है और तकरीबन 1.5 लाख फैमिलीज, आप ये समझें कि 7 से 8 लाख की जो पॉपुलेशन है और 6 से 7 जिलों में सेब पैदा किया जाता है और इसमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लोग डायरेक्ट तौर पे जो सेब पैदा करने वाले लोग हैं। इसके अलावा इस इंडस्ट्री में इनडायरेक्ट जो है बहुत बड़ा रोज़गार मिलता है और इसकी जो अर्थव्यवस्था है तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था है और GDP में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है सेब बागवानी का है और इसको लेके एक बड़ी लड़ाई हमारे बागवान भाई लड़ रहे हैं कई सालों से। विदेशों से जो सेब आता है बाहर से, उसके साथ कंपटीशन करने के लिए एक मांग लगातार रही है कि जो बाहर से आने वाला जो सेब है उसके ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो 100% की जाए, जिससे हमारे हिमाचल का सेब और जम्मू कश्मीर का सेब उनके साथ मार्केट में कम्पीट कर सके। तो उस मांग के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में भी और 2019 में भी दोनों चुनावों में इस बात को माना था कि मैं हिमाचल प्रदेश से मेरा बड़ा विशेष लगाव है और एप्पल इंडस्ट्री को हम बूस्ट करेंगे और इस जो है इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाएंगे और साथ में ये भी कहा था कि जो हमारे पेयजल बनते हैं देश के अंदर, जैसे कोका कोला है, पेप्सी है, दूसरे हैं, उसमें इसका 5% कंसनट्रेट भी मिलाएंगे और उससे सेब की जो अर्थव्यवस्था और मजबूत हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्यवश पूरन आप देखिए कि जो 70% इम्पोर्ट ड्यूटी आज तक थी, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो दौरा था अमेरिका का, उन्होंने वहाँ पर जाते ही जिस प्रकार से उस इम्पोर्ट ड्यूटी को 70 से 50% कर दिया, उससे हिमाचल प्रदेश के बागवानों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और इस लड़ाई में कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह अपने हिमाचल प्रदेश के बागवान भाइयों के साथ खड़ी है और हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि उसको जो है उस आदेश को जो है रद्द किया जाए, जो ड्यूटी 70% थी उसको बढ़ा के 100% किया जाए और उसके अलावा हम जानना चाहते हैं जो प्रदेश के नेता है भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी हैं या दूसरे नेता हैं, वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि इन परिस्थितियों में वो प्रदेश के बागवानों के साथ खड़े हैं या वो इस आदेश के साथ खड़े हैं। हमारी ये मांग है कि वो अपनी स्थिति को स्पष्ट करें। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।